नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। और इस समय हम खाटू श्याम जी से दर्शन करके आ चुके हैं और 9:11 का समय हो रखा है। अब 13 हो चुके हैं और नाश्ते का समय हो चुका है। जिस बस यात्रा से हम आए थे उन्हीं के द्वारा दी जाती है नाश्ता भी खाना भी, तो एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे। अभी फिलहाल तो आ चुका है पोहा और चाय आने का तैयार हो रहा है। चाय, चाय। बिल्कुल चाय दे दो भैया, चाय गरम गरम सेवा देते हो ना भैया। पोहा चम्मच, अभी ब्रेड पकौड़ा भी आएगा, दिखाएंगे आपको। तो ब्रेड पकौड़ा भी मिल चुका है बिना ऑयल के, मतलब कम से कम ऑयल का। तो करते हैं ट्राई, स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म कर चुके हैं, चाय ले ली और हमने ब्रेड पकौड़े लिए और पोहा लिया सॉस के साथ। तो अब वेट करते हैं लंच के लिए, तो लंच में मिलेगा, दिखाएंगे आपको क्या क्या मिलने वाला है, बने रहिए। अगर आपको भी यात्रा करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे रखी है, आप उसको पढ़िए और आना चाहे तो 25 नवंबर को नेक्स्ट बस है, आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं लंच के। तो अभी समय हुआ है 12 का और खाने का समय हो चुका है। नाश्ता तो हम कर चुके थे और खाने की तैयारी हो गई है, जिसमें पनीर की सब्जी आ चुकी है हमारे पास, मटर पनीर, खीर। धन्यवाद। चावल तो पूड़ी भी आ चुकी है, अब इंतजार कर रहे हैं रायते के लिए। तो रायता भी आ चुका है, तो कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट थाली हो चुकी है। तो प्रसाद को ग्रैंड करके देखते हैं स्वाद कैसा है। स्वाद हमेशा की तरह अच्छा होता है, बाबा का भोग है। ये माली घूस बढ़िया है, खाके मिलते हैं पूरा। ठीक है, छोले भी हैं हमारे पास, छोले आ चुके हैं। तो हर चीज है, गर्मा गर्म पनीर, छोले गरम है, तो दर्शन करके आ चुके हैं बालाजी महाराज जी से, मंदिर से। और चाय और रस, और इसकी सेवा चल रही है चाय रस की। और जो मानुष है, मानुष है ये क्या है भैया, बहुत अच्छी सेवा। तो दर्शन करने के बाद चाय जरूर होती है, जिसमें आप चाय बालूशाही के साथ खा ले सकते हैं, बालूशाही लेनी है और या फिर रस। ठीक है, तो हम रस से लेंगे बालूशाही। समय हुआ है 10:24 का,
और शाम के यानी रात के खाने की तैयारी चल रही है और काफ़ी हद तक कुछ काम हो गया है, कुछ रह गया है। ये हैं सारे मसाले, उधर आलू छीलने की तैयारी चल रही है। इधर पनीर की कटिंग, आलू टमाटर की सब्जी की तरी की तैयारी चल रही है इधर। तो जो पुलाव बनेंगे, मतलब तहरी बनेगी, खिचड़ी बनेगी, बन गई तो पनीर डलना पनीर पड़ेगा उसमें है, पनीर वाले चावल, वही वह रात की खाने तैयारी। तो होने देते तैयार खाने को, फिर मिलते हैं। क्योंकि आपको बता दूँ, ये जो सेवा आपने देखी है सुबह से लेकर अब तक, इसमें हम आए थे दुहाई से, दुहाई गाजियाबाद से खाटू श्याम मंदिर, वहाँ हमने दर्शन किए और सुबह का नाश्ता किया, धर्मशाला में रुके। ये सभी कुछ 1200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है, तो उसमें आना जाना, धर्मशाला में रुकना, खाना पीना सब कुछ होता है। तो बता दूँ, धर्मशाला में जो हमने नाश्ता किया था वो, और उसके बाद हमने खाना खाया और फिर हम सालासर बालाजी गए। अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो सालासर बालाजी जाने के बाद चाय नाश्ता किया, अब हम आए हैं रानी सती मंदिर, जो कि हमने घूम चुके हैं। उसके बाद अब रात का खाना जो है इन्हीं की तरफ से है, भैया की तरफ से, तो उसमें पनीर कट के पड़ चुका है और कुछ पनीर इस टमाटर आलू सब्जी में भी जाएगा, आई थिंक सो। और उधर सब कुछ तैयारी चल रही है, फिर पोड़ी बनेगी गर्मा गर्म, तो बैठेंगे, पोड़ी खाएंगे और सब्जी खाएंगे। तो दिखाते हैं उस चीज़ में बनते हुए, बनने के बाद खाते हुए कैसा टेस्ट है। तो पूरी अगर बुकिंग करानी है तो 1200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप कर सकते हैं बुकिंग, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आपने सारी वीडियो देखी है तो बस फिर तो कुछ दिक्कत है नहीं, आप बुक कीजिए। 25 नवंबर को नेक्स्ट बस यात्रा जाएगी, 25 नवंबर 2022। पनीर की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, पुलाव बनकर तैयार हो गया ना भैया, कुछ रैप तो नहीं गया इसमें। गरम गरम पोड़ी सीखने लगी हैं अब, तो खाने की तैयारी कंप्लीट होने वाली है, खाना लग चुका है, पोड़ी की तैयारी हो चुकी है, तो बस अब दिखाएंगे खाकर। भैया अरे खाना उतना ही लेना जितना खराब ना हो, वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत आदमी घूम रहे हैं जिनको खाना नसीब भी ना हो रहा। मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भैया प्लेट देना। तो तैयार हो गया खाना और मिल चुका है हमारे पास, खाना आ चुका है। तो ये पूड़ी है, छोले की सब्जी, टमाटर आलू सब्जी, खीर और पुलाव। ये खाना भी खा के देखते हैं, लेकिन फिलहाल दिखा नहीं सकता क्योंकि, चलो दिखाने की कोशिश करते हैं पुलाव कैसे लगते हैं। खीर, चलो डिनर करके मिलते हैं, बाय बाय। आपको बुकिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जानकारी है पूरी पूरी। तो अगली जो बस यात्रा है 25 नवंबर को जाएगी 2022 को, और बाकी आप उनके नंबर से
ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगली बस कब जाएगी और कहाँ जाएगी। ठीक है, बाय।